ये एसटी हसन का कहना है। लखनऊ में तीन तलाक की पहली एफआईआर दर्ज हुई है। दीवानी कोर्ट में पति ने पत्नी को तलाक दिया है, तीन तलाक बोलकर कोर्ट में रिश्ता तोड़ दिया है। पीड़ित पत्नी ने पति पर केस दर्ज कराया है। पति का नाम सैयद राशिद है, जिन पर वजीरगंज में केस दर्ज हुआ है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में पति राशिद है। दहेज प्रताड़ना केस में दोनों कोर्ट पहुंचे थे, पेशी पर आए पति ने तीन तलाक दे दिया। अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पहला मामला दर्ज हुआ है, जरा बताइए कौन कौन थे, क्यों ये विवाद हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? विवाद की बात तो नहीं है, नौबत बताइए। देखिए बिल्कुल है, ये वजीरगंज पुलिस ने जो है पहली एफआईआर दर्ज की है तीन तलाक मामले में। ये पीड़िता है, इसका जो है अपने पति से जो है दहेज को लेकर के विवाद चल रहा था। लगातार इसका आरोप है कि जो पति है उसके जो परिवार के लोग हैं वो दहेज को लेकर इसको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर ये न्यायालय पहुंची थी। और जैसे ही पति को ये सूचना मिली है, पति ने जो है तीन तलाक जो है उसको फोन पर ही बोल करके जो इसको तलाक दिया है। ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में तकनीकी अधिकारी के पद पर तैनात हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जो है पत्नी को तलाक दिया है। इनका नाम सैयद राशिद है। ऐसे में वजीरगंज पुलिस को जो है तहरीर दी थी महिला ने, उसके बाद ये पूरा मामला जो है दर्ज किया गया है। तो राजधानी में पहली बार है जब पहली जो है ये तीन तलाक का ये मामला सामने आया है, उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस के जो तमाम अधिकारी, चलिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए अनूप कुमार। इधर